में स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हम लोग पढ़े, स्टेबिलिटी ऑर्डर में चेयर इज मोर स्टेबल देन द ट्विस्ट बोल्ट, ट्विस्ट बोल्ट मोर स्टेबल देन द बोल्ट फॉर्म, बोल्ट फॉर्म मोर स्टेबल देन द हाफ चेयर, जिसमें एक चेयर और दो ट्विस्ट बोल्ट को हम लोग कन्फॉर्मर बोलते हैं। अब लिखिए चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में ऑब्वियसली फ्लिपिंग होता है, हर कार्बन पे एट एवरी कार्बन, एट एवरी कार्बन देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक को बोलेंगे हम लोग एक्सियल बॉन्ड और दूसरे को बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। हर कार्बन पे, जैसे ये कार्बन पे हो या ये कार्बन पे, तीसरा चौथा पांचवां छठा, हर कार्बन पे दो और बॉन्ड बचे हैं, दो बॉन्ड दिखाया हुआ है, दो और बॉन्ड, यहां पे दो हाइड्रोजन दिखेगा, लेकिन वो दोनों हाइड्रोजन का जो ओरिएंटेशन होगा, एक को बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड और दूसरे को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। बॉन्ड बनाने का तरीका एक बार में क्लियरली समझ लो, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स वर्टेक्स छह वर्टेक्स। अगर ये वर्टेक्स ऊपर की ओर पॉइंटेड है, जैसे ये वर्टेक्स ऊपर की ओर पॉइंटेड है, ये नीचे की ओर पॉइंटेड है, ये भी ऊपर की ओर पॉइंटेड है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, पॉइंटेड जिस तरफ पॉइंट कर रहा है। If the vertex is up, axial is up. If the vertex is up, axial is up. मतलब ये vertex अगर ऊपर की तरफ pointed है तो axial आपको ऊपर की तरफ बनाना है। Vertex अगर down है, if the vertex is down, देन एक्सियल इज डाउन। सबसे पहले हम लोग एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं, एक्सियल बॉन्ड इज डाउन, ये वर्टेक्स ऊपर की ओर पॉइंटेड है तो एक्सियल अप है, ये डाउनवर्ड पॉइंटेड है एक्सियल डाउन, वर्टेक्स अप एक्सियल अप, वर्टेक्स डाउन एक्सियल डाउन, ये अप है तो अप बनाएंगे, डाउन है तो डाउन बनाएंगे, नियरली वर्टिकली अप और डाउन आपको बना लेना है, नियरली वर्टिकली अप और डाउन एक्सियल बॉन्ड बनाना है। ये सारे बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। बेसिकली ये एक्सियल बॉन्ड क्या होता है कि जो चेयर का जो अपना प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है ये बॉन्ड, या तो परपेंडिकुलरली ऊपर या तो परपेंडिकुलरली। वर्टेक्स अगर ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है तो एक्सियल अप होगा, वर्टेक्स डाउनवर्ड की ओर पॉइंट कर रहा है तो वर्टेक्स डाउन होगा, ठीक है। वर्टेक्स को देखकर सबसे पहले हम लोग एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं, एक्सियल बॉन्ड बनाने के बाद अब बारी आया इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने का। नियरली 109 डिग्री अगर आप ऐसे भी अगर बना लोगे, ये चारों पॉइंट पे बनाना बहुत आसान है, ये चारों पॉइंट का पहले देखो, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये भी इक्वेटोरियल हो गया, ये भी इक्वेटोरियल हो गया, ये भी इक्वेटोरियल हो गया, मतलब आप ऐसे समझो दिमाग में कि नियरली 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री 90, होता तो ये 109 डिग्री है लेकिन नियरली 90 डिग्री पे आप इक्वेटोरियल बॉन्ड चार जगह बना लिए, अभी बचा दो और जगह, दो और जगह में यहां पर और यहां पर, ये एंगल को जरा सा लगभग बाइसेक्ट करना, सीधा मत गिराना बॉन्ड, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना वो इक्वेटोरियल दिखेगा, थोड़ा सा आप ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो ये इक्वेटोरियल दिखेगा। कहने का मतलब हर कार्बन पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, हर कार्बन पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। एक्सियल इज अप इफ द वर्टेक्स इज अप, पहले तो एक्सियल बॉन्ड ऊपर नीचे बना लिए और उसके बाद ये चारों पॉइंट पे नियरली 109 डिग्री के आसपास बना दिए, बाकी ये जो एंगल है दोनों को हल्का सा बाइसेक्ट कर दिए, बस वर्टिकली नहीं दिखना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन हुआ एक्सियल का और इक्वेटोरियल का। हर कार्बन पे दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल होता है और एक इक्वेटोरियल होता है।
एक्सियल हमेशा या तो वर्टिकली ऊपर होगा या वर्टिकली नीचे होगा, और बाकी जो बॉन्ड बच गया वो इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाता है। इक्वेटोरियल मतलब उसी प्लेन पे लाई करने वाला बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, उसके परपेंडिकुलर, नियरली बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, कार्बन फाइव, कार्बन सिक्स, लेट इट अंडरगोज फ्लिपिंग प्रोसेस। और ये फ्लिपिंग प्रोसेस अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि फ्लिपिंग दोनों तरफ से होता है, क्योंकि एक से एक और चार, एक नीचे आया चार ऊपर गया तो फिर चार भी नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब ये फ्लिप करता है तो बेटा ऐसे ध्यान रखना कि हर कार्बन पे ऐसे है ये एक्सियल और इक्वेटोरियल, कहीं भी आप ऐसे मानोगे या यहां पर ऐसे मानोगे, समझ में आ रहा है, यहां पर भी आप ऐसे मानोगे, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। फ्लिपिंग के बाद, फ्लिपिंग के बाद ये एक नंबर नीचे आएगा, चार नंबर ऊपर जाएगा, दूसरा चेयर बन जाएगा। फ्लिपिंग के बाद ये कार्बन बिल्कुल ऐसे घूमता है, बस नियरली 90 डिग्री हर कार्बन ऐसे घूम जाएगा। कहने का मतलब जो तुम्हें इक्वेटोरियल दिख रहा है वो फ्लिपिंग के बाद ये एक्सियल हो जाएगा और ये वाला, फ्लिपिंग के बाद बिल्कुल ऐसे ही याद रखना कि फ्लिपिंग के बाद कार्बन पे जो चेंजेस आता है वो बिल्कुल ऐसे आता है। मतलब कि अगर हर कार्बन पे यही चेंज आएगा तो जितने इक्वेटोरियल हैं वो एक्सियल बन जाएंगे और जितने एक्सियल हैं वो इक्वेटोरियल बन जाएंगे। फ्लिपिंग, ओके, फ्लिपिंग के बाद दूसरा चेयर फॉर्म बना, फ्लिपिंग के बाद दूसरा चेयर फॉर्म बना है। अब यहां पर भी नंबरिंग करने का तरीका देखो, चूंकि इस रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो नंबरिंग आप कैसे भी कर लो, हमें यह पता है कि भाई ये एक नंबर है और ये चार नंबर है, इतना तो मेरे को पता है। लेकिन दो नंबर किसको दें, नीचे वाले को दें कि ऊपर वाले को दें, इस केस में तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन तरीका बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर यहां पर नंबरिंग ऊपर से किए हो, यहां पर भी नंबरिंग ऊपर से ही होगा, दो तीन चार पांच छह, समझ में आ रहा है। यहां पर नंबरिंग अगर ऊपर से हुआ है, ये नीचे वाला बॉन्ड, ये ऊपर वाला बॉन्ड, एक दो ऊपर वाले को दिए हो तो यहां पर भी एक दो ऊपर वाले को देंगे। ये कार्बन दो नंबर कार्बन है जो यहां पर था, समझ आ रहा है। सेम तरीका से यहां पर भी हम लोग बनाएंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब देखो हम ब्लू से बना रहे हैं एक्सियल, वर्टेक्स डाउन एक्सियल डाउन, वर्टेक्स अप एक्सियल अप, डाउन अप अप एंड डाउन। जितने ब्लू कलर वाले यहां पर बॉन्ड थे वो सब एक्सियल पे पहुंच गए। और बारी आया इक्वेटोरियल बनाने का, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, यहां भी इक्वेटोरियल, यहां भी इक्वेटोरियल, यहां पर कैसे बनाना है, थोड़ा सा बाइसेक्ट कर देना है बस। आफ्टर फ्लिपिंग ऑल एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा, सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं और सारा इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। फ्लिपिंग के बाद सारा एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में चेंज हो जाता है, सारा इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज हो जाता है। दैट इज फ्लिपिंग का इफेक्ट, फ्लिपिंग प्रोसेस का इफेक्ट। होता ये कैसे है, फिर से देखो, ये वाला फ्लिपिंग के बाद ऐसे हो गया। सिर्फ इतना ही प्रोसेस होता है हर एक के साथ, समझ में आ रहा है। जरा सा रोटेशन, जो इक्वेटोरियल था एक्सियल बन गया, जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल बन गया। अब फिर जब वापस फ्लिप करके आएगा तो ये फॉर्म। अगर मुझसे कोई बोले कि यार ये दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिलहाल क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वली स्टेबल, दोनों चेयर फॉर्म बिल्कुल बराबर स्टेबिलिटी के यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर बराबर स्टेबिलिटी का नजर आ रहा है तो इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर क्वांटिटी में मौजूद होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। लेकिन अगर हम लोग कोई ग्रुप अगर लगा दें तो देखेंगे नॉट इक्वल टू वन भी आएगा, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, ये सब एनालिसिस करेंगे। अब ध्यान देना एक और चीज, अभी तक हम लोग दो चीज देखे,
चेयर बनाने के बाद एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे बनाया जाता है? पहले एक्सियल बनाया जाता है, उसके बाद इक्वेटोरियल बनाया जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, फ्लिपिंग के बाद सारा एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल सारे एक्सियल में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट नंबरिंग का, अगर नंबरिंग ऊपर से हुआ है तो वहां पर भी नंबरिंग ऊपर से होगा। ये बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखो, हम लोग अगर सीधे सीधे साइक्लोहेक्सेन को इस तरह इमेजिन करें तो भी गलत नहीं है। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। साइक्लोहेक्सेन को ऐसे रिप्रेजेंट करना भी गलत नहीं होता, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन या कोई भी रिंग कैन बी कंसिडर्ड प्लेनर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस। ये बताया था पिछले क्लास में, क्योंकि रिंग्स आर हाईली सिमेट्रिकल, अगर हम इसको प्लेनर मान के भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को गलत आंसर नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसे मान लें तो ऑब्वियसली इस कार्बन पे एक बॉन्ड बिलो द प्लेन जाएगा और एक बॉन्ड अबव द प्लेन जाएगा। यस और नो? हर कार्बन पे एक बॉन्ड बिलो द प्लेन है और एक बॉन्ड अबव द प्लेन है। यही बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन को हम लोग यहां पर कैसे इमेजिन करते हैं, ध्यान देना। जो बॉन्ड वर्टिकली अप है, दैट इज द अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड आर अबव द प्लेन, और जो बॉन्ड वर्टिकली डाउन है वो बिलो द प्लेन है, दैट इज कॉल्ड लोअर बॉन्ड। यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे अपर बॉन्ड, एंड अपर बॉन्ड आर अबव द प्लेन, एंड एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे लोअर बॉन्ड, एंड लोअर बॉन्ड आर बिलो द प्लेन। जैसे सबसे पहले एक्सियल में अपर लोअर करना है, ये एक्सियल ऊपर की तरफ जा रहा है अपर बॉन्ड, ये एक्सियल नीचे की ओर आया लोअर बॉन्ड, एक्सियल ये नीचे लोअर, ऊपर अपर, अपर एंड लोअर। पहले तो एक्सियल, सारे एक्सियल को क्लियरली देख के अपर लोअर बिठा लो, ये भी काम आसान है। क्लियर है? हर कार्बन पे एक अपर बॉन्ड होगा, एक लोअर बॉन्ड होगा। अगर इस कार्बन पे इसको अपर बोल दिया तो ऑटोमेटिकली ये लोअर बॉन्ड हो गया। ये लोअर है तो ये अपर है, लोअर बॉन्ड देन दिस विल बी अपर बॉन्ड, इफ दिस इज अपर देन दिस विल बी लोअर, दिस इज लोअर देन दिस विल बी अपर, दिस इज अपर देन दिस विल बी लोअर। इस तरीके से हम लोग यू और एल बिठा दिए। यू स्टैंड फॉर अपर बॉन्ड विच आर अबव द प्लेन, एंड एल स्टैंड फॉर द लोअर बॉन्ड विच आर बिलो द प्लेन। सबसे पहले अपर और लोअर किस पे लगाना है? एक्सियल पे। एक्सियल पे लगाने के बाद ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल पे लग जाएगा। अब ध्यान देना जरा, अगर मुझे यहां पर भी अपर और लोअर अगर लगाना है, यहां पर ये अपर बॉन्ड हो जाएगा, ये लोअर बॉन्ड हो जाएगा, ये लोअर होगा, ये अपर होगा। जरा एक नंबर कार्बन पे देखो, एक नंबर कार्बन पे, एक नंबर कार्बन पे जो अपर था वो अभी भी अपर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जो बॉन्ड अपर था वो अभी भी अपर है। मान लो बाई चांस हम यहां पर एक मिथाइल लगा दिए, तो ये मिथाइल यहीं पे होता ना, तो तुम क्या बोलते? सर मिथाइल इज अबव द प्लेन, देयर इट इज ऑल्सो अबव द प्लेन, क्योंकि वो मिथाइल अभी भी अपर बॉन्ड में है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो फ्लिपिंग के पहले जो बॉन्ड अबव द प्लेन था, जो बॉन्ड बिलो द प्लेन है, वो फ्लिपिंग के बाद भी जो बॉन्ड अबव द प्लेन था वही रहेगा, जो बॉन्ड बिलो द प्लेन था वही रहेगा। एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस में चेंज होता है, लेकिन अबव द प्लेन जो था वो अबव द प्लेन ही रहेगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग कंफर्मेशन, वी आर नॉट स्टडिंग कन्फिग्रेशन। या ओरिएंटेशन में अंतर आएगा, कन्फिग्रेशन में नहीं। ऊपर नीचे में अगर चेंज हो गया, मतलब कन्फिग्रेशन में चेंज हो गया, या ओरिएंटेशन में चेंज है खाली, कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं, देयरफॉर दे आर कन्फॉर्मर्स। ये बात समझ में आ रहा कि जो अपर था वो अभी भी अपर है, ब्लैक वाला अपर था, ब्लैक वाला अभी भी अपर है, बस अंतर यह हो गया कि यहां एक्सियल पे था, यहां इक्वेटोरियल पे। हर जगह वही पाओगे तुम, दो नंबर कार्बन पे, दो नंबर कार्बन पे ब्लू वाला अपर था, ब्लू वाला अभी भी अपर है। क्लियर? ओके। वर्टिकली आप अपर बॉन्ड लोअर, लोअर अपर, पहले एक्सियल को अपर लोअर, दिस इज लोअर दिस इज अपर, अपर बॉन्ड आर ऑलवेज अबव द प्लेन, लोअर बॉन्ड आर ऑलवेज बिलो द प्लेन।
तो यह चौथा चीज बताए, पहला फ्लिपिंग का क्या रिजल्ट होता है, ऑल एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल, ऑल इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल। सेकंड, हाउ टू ड्रॉ एक्सियल बॉन्ड एंड हाउ टू ड्रॉ इक्वेटोरियल बॉन्ड। तीसरा बात नंबरिंग, और चौथा बात अपर और लोअर बॉन्ड पहचानना, अपर बॉन्ड अबव द प्लेन, लोअर बॉन्ड्स आर बिलो द प्लेन। साइक्लोहेक्सेन का हॉरिजॉन्टल प्लेन मानो, हॉरिजॉन्टल प्लेन कैन बी पैरेलल, ये ऐसे है और ऐसे है, उस कार्बन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस कार्बन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन, इधर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन, इधर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से ऊपर और नीचे। पूरा साइक्लोहेक्सेन एक प्लेन पे नहीं है, लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म को देखा जाए और वहां पे पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेन उस छह कार्बन पे ड्रॉ किया जाए, उसके नीचे से उसके रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि ये वाला, तो यहां पर एक अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर हम बनाएंगे तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये दोनों कार्बन एक प्लेन पे रहेगा, समझ में आ रहा है? इसके भी हिसाब से जो नीचे गया ऊपर गया, इसके हिसाब से भी जो नीचे गया ऊपर गया, ये इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, प्लेन से थोड़ा ऊपर, क्योंकि 109 डिग्री का एंगल है। खैर, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे इस चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन। गौर से देखना, चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन, इस कार्बन और इस कार्बन, चार नंबर कार्बन और तीन नंबर कार्बन के अलोंग हम व्यू करेंगे, शहर से ही तो न्यूमैन बनाते थे, और छह नंबर कार्बन और एक नंबर कार्बन के अलोंग हम व्यू कर रहे, मतलब ऐसे व्यू कर रहे और ऐसे व्यू कर रहे, दो जगह से एक साथ देख रहे, दो जगह से एक साथ अगर देखोगे तो चार नंबर कार्बन आपको दिख रहा है लेकिन उसके ठीक पीछे है तीन नंबर कार्बन जो नहीं दिख रहा है। चार और तीन, उसको इमेजिन करो, इसको देखो, चार और तीन के अलोंग अगर हम व्यू करेंगे तो चार नंबर कार्बन दिख रहा है लेकिन तीन नंबर कार्बन नहीं दिख रहा, ये बात सबको समझ में आ रहा? चार नंबर में क्या क्या दिख रहा है आपको? तो चार नंबर में एक बॉन्ड मेरे को नीचे जाता हुआ दिख रहा है कि नहीं, एक्सियल वाला। एंड ऑब्वियसली जब न्यूमैन में एक बॉन्ड तैयार हो गया तो बाकी बॉन्ड को कितने दूरी पे बनाते हैं हम लोग? 120 डिग्री के दूरी पे। तो ये हुआ एक्सियल बॉन्ड चार नंबर का और ये हुआ इक्वेटोरियल बॉन्ड चार नंबर का, समझ में आ रहा है? और एक बॉन्ड आपको इस तरफ जाते हुए दिख रहा है, देखो ये एक नीचे आया, एक इधर गया और एक आया पांच नंबर तक ऊपर की ओर, पांच नंबर तक। तो हम बोलेंगे ओके, यहां पर है पांच नंबर कार्बन, चार नंबर कार्बन का स्थिति, समझ में आ रहा है? पीछे वाले कार्बन पे गए तो एक बॉन्ड ऊपर, और एक बॉन्ड जब बन गया ऊपर की ओर, एक बॉन्ड जब बन गया ऊपर की ओर तो दूसरा ऑब्वियसली इधर होगा और तीसरा आएगा ऐसे। तो एक बॉन्ड ऊपर की ओर एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल और ये आया दो नंबर कार्बन तक, तीसरा बॉन्ड यहां पर कर दिए दो नंबर कार्बन, समझ में आ रहा है? फिर बगल वाले कार्बन छह दिख रहा है, छह नंबर दिख रहा है लेकिन एक नंबर नहीं दिख रहा, छह नंबर दिख रहा है और एक नंबर नहीं दिख रहा, दिस इज सिक्स एंड दिस इज फर्स्ट। सिक्स्थ पे क्या स्थिति है? सिक्स्थ नंबर कार्बन को देखो, सिक्स्थ पे एक बॉन्ड नीचे, ऑब्वियसली एक बॉन्ड ऐसे इक्वेटोरियल, और छह नंबर से पांच नंबर कनेक्ट होता हुआ एक बॉन्ड आपको दिखेगा, तो छह नंबर से पांच नंबर कनेक्ट होता हुआ बॉन्ड, और छह के पीछे एक नंबर कार्बन है, एक नंबर कार्बन पे एक ऊपर की ओर बॉन्ड है एक्सियल, ऑब्वियसली दिस वन इज इक्वेटोरियल, और एक नंबर कार्बन से दो नंबर तक के कनेक्शन को देखो, एक से लेकर दो भी कनेक्ट होता हुआ दिखेगा, तो एक से दो भी आपस में कनेक्ट हो गए। दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द चेयर फॉर्म। ऑब्वियसली ये दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल,
जो न्यूमैन में आपको ऐसा इस तरफ आते हुए दिखे इक्वेटोरियल, समझ में आ रहा है? ये दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल, जो वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन दिख रहा वो एक्सियल बॉन्ड है, समझ में आ रहा? अब देखो, पांच नंबर कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन होगा, एक बिलो होगा और एक एवव होगा। दो नंबर कार्बन पे भी होगा एक एवव और एक बिलो, हर जगह हम एच लगा दिए। दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द चेयर फॉर्म एंड ऑब्वियसली दिस न्यूमैन प्रोजेक्शन इज स्टैगर्ड फॉर्म एंड वी ऑलवेज नो दैट स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड दैट इज द रीजन व्हाई चेयर इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। यही कारण है कि चेयर इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। अभी हम बोट भी बनाएंगे, बोट एक्लिप्स निकलेगा। चेयर इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन बिकॉज चेयर इज स्टैगर्ड फॉर्म। कॉपी करो क्लियरली, समझ के यहां तक क्लियर यहां क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इस पांच नंबर कार्बन पे मैंने एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन हाइड्रोजन बना रखा है, अलग अलग दिखाया हुआ है, लेकिन होगा तो ऐसे है ना, एक के ऊपर एक, एक पीछे की ओर और एक ऊपर की ओर, है कि नहीं? ये हाइड्रोजन पीछे वाला इस हाइड्रोजन के ठीक इसके पीछे वाले कार्बन के इतना करीब आ जाता है कि इनके बीच में हो जाता है रिपल्शन। ऑब्वियसली ये और ये के बीच में भी, क्योंकि ये इधर दिख रहा है कि पास है लेकिन है तो वो बिल्कुल बीचों बीच, तो ये वाला जो है इसको भी रिपेल करता है और इसे भी रिपेल करता, इन दोनों के बीच में भी होगा रिपल्शन। सिमिलरली ये सामने वाले कार्बन का हाइड्रोजन और ये कार्बन का सामने वाला, इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन। ये सामने वाला और ये सामने वाले के बीच में भी होगा रिपल्शन। इतने करीब आ जाते हैं कि इनके बीच में हो जाता है रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन, दो हाइड्रोजन आपस में रिपेल करते हैं। गौर से देखो, ये रिपल्शन जो प्रेजेंट है वो एक्सियल एक्सियल बॉन्ड के बीच में ही है, कोई इक्वेटोरियल बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये भी एक्सियल था, ये भी एक्सियल था और ये वाला भी एक्सियल ही होता है, हम अभी ड्रॉ करके देखेंगे, क्योंकि इसके सामने एक्सियल बॉन्ड ही जाएगा, इक्वेटोरियल नहीं आएगा, चेयर में बताएंगे। ये एक्सियल और ये एक्सियल, ये तीनों के बीच में रिपल्शन है। इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड, जैसे ये इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को किसी भी प्रकार का रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ता। ये जैसे सामने की ओर है तो सामने की ओर यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा उसके पास, ये है लेकिन इस तरफ गया हुआ है, समझ में आ रहा? तो दिस रिपल्शन एग्जिस्ट इन द एक्सियल बॉन्ड ग्रुप्स ओनली। अब इसको हम चेयर फॉर्म में तुमको हम समझाना चाह रहे हैं। देख, जैसे ये चेयर फॉर्म, ये एक्सियल एक्सियल एक्सियल, वर्टेक्स अप वर्टेक्स डाउन एक्सियल डाउन। लेट अस गिव अ नंबर 1 2 3 4 5 6। कौन से दो हाइड्रोजन के बीच में हम रिपल्शन बता रहे? तीन नंबर वाला कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन और पांच नंबर कार्बन। तीन और पांच यहां पर कहां पर है? ये तीन नंबर का एक्सियल और ये पांच नंबर का ऑब्वियसली एक्सियल, इक्वेटोरियल वाला तो यहां पर है। तो तीन और पांच के हाइड्रोजन के बीच में हम बोल रहे हैं कि रिपल्शन है। फिर हम ये भी बोले कि पांच नंबर और एक नंबर के बीच में भी रिपल्शन है, तो पांच नंबर का एक्सियल और एक नंबर का एक्सियल इनके बीच में भी रिपल्शन है। फिर हम आपको नीचे भी दिखाए कि चार नंबर का हाइड्रोजन और दो नंबर का हाइड्रोजन के बीच में भी रिपल्शन है, तो चार नंबर का हाइड्रोजन और ये दो नंबर का हाइड्रोजन के बीच में भी रिपल्शन है, दो नंबर का हाइड्रोजन और छह नंबर का हाइड्रोजन के बीच में भी रिपल्शन है, तो दो और छह के बीच में भी रिपल्शन है। एक्चुअली ये रिपल्शन ऐसे होता है, यहां पर भी एक्चुअली ये रिपल्शन इस तरीके से होता है।
इसी रिपल्शन को बोला जाता है 1.3 डाइएक्सियल रिपल्शन. देयर एग्जिस्ट 1.3 डाइएक्सियल रिपल्शन. डाइएक्सियल रिपल्शन इन चेयर फॉर्म और ड्यू टू रिपल्शन थोड़ा स्टेबिलिटी घटेगा भी. इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी भी प्रकार का रिपल्शन नहीं. सारा इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो रिपल्शन से फ्री है. एक्सियल पोजीशन में ये रिपल्शन पाया जाता है, दैट टू 1.3. 1.3 मतलब क्या, तुम किसी भी कार्बन को एक नंबर मान लो और वहीं से तीसरे नंबर कार्बन पे जाओ. जैसे मान लो हम इसको एक नंबर माने तो तीसरा नंबर कार्बन कहां होगा, 2-3. समझ में आ रहा है, एक नंबर कार्बन और तीन नंबर कार्बन, 1-2-3. तो ये दोनों पोजीशन के बीच में रिपल्शन होगा, हो रहा है. 1-2-3 किसी को भी एक नंबर कार्बन बोलो और तीसरे नंबर कार्बन पे जाओ एक डायरेक्शन में, उस तीसरे नंबर कार्बन का जो एक्सियल होगा और एक नंबर का जो एक्सियल होगा उनके बीच में रिपल्शन है. 1-2-3 तो इन दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन, 1-2-3 तो ये दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन. अगर हम इसको एक नंबर बोले तो 1-2-3 तो ये दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन. समझ में आ रहा है, अगर हम इसे बोले एक नंबर तो 1-2-3 ये दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन, या 1-2-3 तो ये दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन. किसी भी कार्बन को एक नंबर बोलिए और तीसरे नंबर कार्बन पे जाइए, एक नंबर और तीसरे नंबर का जो एक्सियल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा वो आपस में रिपेल करता है और उसे हम लोग बोलते हैं 1.3 डाइएक्सियल रिपल्शन. देयर एग्जिस्ट 1.3 डाइएक्सियल रिपल्शन इन द चेयर फॉर्म. There exists a 1.3 diaxial repulsion in the chair form. ये समझ में आया? और ये कोई जरूरत नहीं है, फिर हम आगे बताएंगे, फिर हम दोबारा जब GI पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे. यहां पर समझने का क्या है, यहां तो इन्फॉर्मेशन हम दिए कि एक्सियल कैसे बनाना है, उसमें क्या समझना है. एक्सियल अप, इक्वेटोरियल एक्सियल डाउन, ये समझे. एक्सियल बॉन्ड कैसे बनाना है समझ में आ रहा, इक्वेटोरियल कैसे बनाना है समझ में आ रहा, नंबरिंग कैसे करना है समझ में आ रहा, फ्लिपिंग के बाद एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता है, ये समझ में आया. फ्लिपिंग के बाद एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता है, समझ में आ रहा है. ये सिर्फ घूम के ऐसे हो जाता है, यही बात हम बता रहे बार बार कि ये वाला चीज ऐसे टर्न कर जाता है बस. हर कार्बन पे अगर ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा फ्लिपिंग के बाद. तो जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल हो जाएगा, जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा. यहां से ही मैंने इस न्यूमैन को बनाया, ये समझ में आया. इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया. न्यूमैन कैसे बनाते हैं सोहर्स से, सोहर्स प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होता था और यहीं से देखते थे, सामने वाला कार्बन दिखता था पीछे वाला का, अच्छा हो सकता है तुम मिस किए हो. सोहर्स से न्यूमैन बनाने वाला देखे थे लेक्चर है, यस सर. तो फिर समझना क्या है, सामने वाला कार्बन डॉट, पीछे वाला कार्बन सर्कल, सामने वाला कार्बन हम इधर से देखे और इधर से देखे मॉलिक्यूल को, दो 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 पॉइंट से इकट्ठे देखे तो ये कार्बन दिखा लेकिन ये कार्बन नहीं दिखा, चार नंबर कार्बन दिखा तीन नंबर कार्बन नहीं दिखा. देख चार को डॉट बनाया, तीन नंबर को सर्कल, चार पे क्या दिखा, एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बनाए. कौन सा, ये दोनों कार्बन ऑन द प्लेन है मान लो, टेट्राहेड्रल कार्बन ही तो है. टेट्राहेड्रल के दो बॉन्ड अगर एक प्लेन पे तो एक बिलो और एक अबव, तो जो बिलो गया हाइड्रोजन पीछे की ओर गया, अरे ये भी तो हाइड्रोजन पीछे की ओर ही है, ये भी हाइड्रोजन पीछे की ओर, ये भी हाइड्रोजन पीछे की ओर, ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन होता है. सेम ये पीछे वाला हाइड्रोजन और ये पीछे वाला हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होता है. ये सामने वाला हाइड्रोजन और इसका सामने वाला बॉन्ड, ये दोनों करीब आ जाते हैं इनके बीच में रिपल्शन होता है. That is called 1.3 diaxial repulsion. Clear? Clear? Numbering? कैसे किए, 1-2-3-4-5-6.
बिल्कुल यार, अगर रिंग का मेरे को नंबरिंग करना है तो हम किसी को भी नंबर वन बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तेरा इच्छा किया कि नंबर वन इसे दे दे दे। लेकिन हाँ, नंबरिंग करते वक्त डायरेक्शन फिक्स रहना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज नंबरिंग या तो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं। तो यहां हम इसको एक नंबर दे दिए मेरे इच्छा से, चाहते तो हम नीचे दो दे सकते थे, तुम दे दो कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे रिंग को हम नंबर कर दिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्लिपिंग कराने के बाद जो नंबरिंग करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर आपने नीचे नहीं जाके ऊपर से नंबरिंग किया तो वहां भी ऊपर से ही नंबरिंग करना है, इसलिए एक देने के बाद मैंने दो इसे दिया। 1 और 4 फिक्स है, ये एक नंबर ये चार नंबर, एक नीचे जाएगा चार ऊपर जाएगा, तो 1 और 4 यहां फिक्स है, एक नीचे आया है चार ऊपर गया है, लेकिन 2, 3 किधर देना है वो मैटर करेगा। अगर यहां पर 2, 3 ऊपर से दिए हो तो यहां पर भी 2, 3 ऊपर से देना है। मॉडल वोडल हम नहीं दिखाते, बस ऐसी समझना है, ऐसे ये समझ में आ रहा है ना, मॉडल देखना है, आईटी में मॉडल लेके जाओगे। चेयर समझ में आ रहा, चेयर एक कार्बन, नीचे आए 2 कार्बन, फिर ऊपर गए 2 कार्बन, फिर नीचे आए 1 कार्बन, ये नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, सॉलिड स्टेट हुआ है, अभी नहीं हुआ सॉलिड स्टेट। अब देखो, ड्यू टू 1.3 डाइएक्सियल रिपल्शन Any bulky group always tries to remain at equatorial position. अगर यही तुम सोचो, यहां तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी रिपल्शन होता है, जिसको हम लोग 1.3 डाइएक्सियल रिपल्शन बोल रहे हैं। मान लें यहां पर एक बड़ा ग्रुप मिथाइल लगा दे, मिथाइल, तो मिथाइल पे तो ये दोनों हाइड्रोजन रिपल्शन शो करेगा ना। यही अगर मिथाइल किसी तरह चला जाए इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो क्या उसको रिपल्शन मिलेगा? नहीं। तो हर बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहता है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई रिपल्शन नहीं होता। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो जाएगा कैसे? फ्लिपिंग करके, क्योंकि फ्लिपिंग के बाद सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते, इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, ध्यान देना यहां पर, मान लो ये चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द अनदर चेयर फॉर्म, डेफिनेटली आई कैन से दैट लेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज के ई क्यू इज 1। बोले क्यों? क्योंकि दोनों बराबर स्टेबिलिटी का है, दोनों बराबर क्वांटिटी पे मौजूद रहेगा इक्विलिब्रियम पे। अगर ये चेयर फॉर्म पे मैंने एक्सियल पे मिथाइल लगा दिया, ऑब्वियसली इसमें भी फ्लिपिंग चल रहा है, फ्लिपिंग चल रहा है, तो फ्लिपिंग के बाद ये चेयर ऐसा अगर दिखा, फ्लिपिंग के बाद ऐसा ही हो जाएगा, होगा ना? बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1, less than 1 or greater than 1? वेरी सिंपल। एक्सियल पे रहेगा तो इसको 1.3 डाइएक्सियल रिपल्शन मिल रहा है, लेकिन इक्वेटोरियल पे आ गया तो कोई रिपल्शन नहीं है। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट, कम क्वांटिटी में रिएक्टेंट, ऑब्वियसली यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 विच इज ग्रेटर देन, लेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1 विच इज ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आ रहा? ठीक है, अगर हम यहां पर मिथाइल के बदले इथाइल लगा देते, मिथाइल के बदले इथाइल लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर भी हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, K2 इज ग्रेटर देन 1, बट व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2? वेरी सिंपल लॉजिक, जैसे जैसे ग्रुप का साइज बड़ा होता चला जाएगा उस पर रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो उसकी आगे जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। समझ में आ रहा? तो इक्विलिब्रियम पे इसका क्वांटिटी मोल्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका क्वांटिटी, क्योंकि इथाइल पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू मिथाइल पे रिपल्शन, K2 विल बी ग्रेटर दैन। ये समझ में आ रहा?
एज द साइज ऑफ द ग्रुप विल इंक्रीज या एज द 1.3 डायएक्सियल रिपल्शन मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज। बसरते एक्सियल से इक्वेटोरियल जा रहा हो, अगर यही इक्विलिब्रियम को उल्टा लिख के देते कि इक्वेटोरियल से एक्सियल तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 हो जाता। देखिए अगर इस चेयर फॉर्म को गौर से देखो, ये चेयर फॉर्म को अगर मैं पूरा 180 डिग्री से पलट दूं, अगर हम इस चेयर फॉर्म को 180 डिग्री से पलट दिए, हम फ्लिपिंग के बाद जो बना हुआ चेयर फॉर्म है उसको हम पलट तो सकते हैं ना पूरे मॉलिक्यूल को कैसे भी, हम अगर इसे हम पूरा 180 डिग्री से पलट देंगे तो ये वाला कॉर्नर नीचे आ जाएगा और ये वाला कॉर्नर ऊपर चला जाएगा और बिल्कुल पहला चेयर टाइप का लगेगा। चेयर विल लुक लाइक द फर्स्ट चेयर। अगर हम इसे पूरा 180 डिग्री से पलट दें तो ये नीचे आएगा और ये वाला कॉर्नर ऊपर जाएगा, तो दोनों चेयर बिल्कुल सेम लगेंगे लेकिन ग्रुप तो अलग अलग जगह ही रहेगा ना। ये बिल्कुल ऊपर आ गया एच और ये रहेगा मिथाइल। तो ध्यान देना, सवाल में हो सकता है कि चेयर में तुमको फ्लिपिंग ना दिखे लेकिन अगर ग्रुप को एक्सियल से इक्वेटोरियल पे ला दिया गया है मतलब फ्लिपिंग हो गया है। तो आप ग्रुप के पोजीशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, अगर एक्सियल पे था इक्वेटोरियल पे आ गया मतलब कि फ्लिपिंग हैज हैपेंड। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, दे आर कन्फॉर्मर ऑब्वियसली। What is the relationship between the two forms? They are conformations, they are conformers. Clear है? क्योंकि flipping के बाद conformer बनता है, flipping के बाद क्या बनता है? Conformer. What is the relationship between the left one and right one? They are conformer. अगर आपको दिख रहा है कि एक form में सब कुछ एक्सियल पे थे कुछ इक्वेटोरियल पे थे और दूसरा जो बगल में फॉर्म दे रखा है, हम ये देख रहे हैं कि यहां जो एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे आ गया और जो इक्वेटोरियल पे था एक्सियल पे आ गया, और पूछा कि क्या रिलेशन है दोनों में, कन्फॉर्मर्स। क्योंकि एक्सियल से इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल से एक्सियल तब हो सकता है जब फ्लिपिंग हो और फ्लिपिंग के बाद हम लोग को हमेशा कन्फॉर्मर ही मिलता है। समझ में आ रहा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सपोज एक्सियल पे एम ब्यूटाइल, ये फ्लिपिंग किया। अब देख हम चेयर को वैसे ही रख रहे हैं, हम तो सिर्फ ब्यूटाइल का पोजीशन चेंज कर दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। और उसी चेयर पे अगर हम मान लो रखे टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको हम बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4। What will be the relationship between K3 and K4? क्या होगा रिलेशन बेटा K4 K3 में? तो ऑब्वियस ही बात है कि द ब्रांचिंग विल रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम द हाइड्रोजन। ये लंबा चेन है तो ये वाले मिथाइल को क्या फर्क पड़ेगा जब यहां पे दो हाइड्रोजन है? तो ब्रांचिंग के कारण डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है तो रिपल्शन बढ़ता है। इस पे ज्यादा रिपल्शन लग रहा है एज कम्पेयर टू एन ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल पे ज्यादा रिपल्शन एज कम्पेयर टू एन ब्यूटाइल। अगर इस पे ज्यादा रिपल्शन है तो इसकी इधर जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इधर जाने की टेंडेंसी अगर ज्यादा हो गई तो K4 विल बी ग्रेटर देन K3, K4 विल बी ग्रेटर देन K3। क्लियर? OR in axial position it is in equilibrium with OR in a equatorial position, let it is K5 and let only R is at the axial and R at the equatorial, let it is K6, both R's are same। Ab batao K5 K6 में, K5 K6 में किसका रिपल्शन ज्यादा रहेगा? K5 K6 में किसका रिपल्शन ज्यादा रहेगा? R अगर सेम है, एक सोचो कि मिथाइल लगा हुआ है, एक लगा हुआ है OCH3, तो ध्यान रखना कि K6 इज ग्रेटर देन K5।
क्योंकि ये बीच में ये ऑक्सीजन आया ना तो आर की दूरी बढ़ा देता हाइड्रोजन से, बीच में ऑक्सीजन आने के कारण आर का दूरी बढ़ जाता है, कहीं ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर्ड टू पहला, तो रिजल्टेंट रिपल्शन इन द लास्ट वन इज ग्रेटर देन द रिजल्टेंट रिपल्शन इन द फर्स्ट वन, के फाइव ग्रेटर देन के सिक्स ग्रेटर देन के फाइव होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा हाइड्रोजन करेगा? कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, ओनली एफ ओ एंड एन से जुड़ा हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, यहां पे कौन सा रिपल्शन है? यहां पे स्टेरिक रिपल्शन है। स्टेरिक रिपल्शन मतलब वैंडरवॉल रिपल्शन, दैट इज ड्यू टू द साइज एंड मास, नॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि लोन पेयर का रिपल्शन गॉस पोजीशन पे होता ही नहीं है, तो चूंकि चेयर फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा, लोन पेयर की वजह से रिपल्शन नहीं लिया जाएगा। कंपेयर द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ द फॉलिंग टू मॉलिक्यूल्स, किसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा किसका कम होगा? हीट ऑफ कंबस्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन, ओ आर ज्यादा बल्कि है, हाँ क्या है उसके आर पर रिपल्शन ही नहीं लग रहा, डिस्टेंस फैक्टर नहीं है क्या? ओ आर ज्यादा बल्कि है आर से, ठीक है, लेकिन उसमें मेन रिपल्शन किसके वजह से हो रहा है? आर के वजह से हो रहा है। और ओ आर में पूरा ग्रुप, अगर ओ आर का आर अगर दूर चला गया, रिपल्शन रेंज के बाहर चला गया मान लो, तो फिर ओ आर का क्या मतलब है? भले बल्कि रह गया, तो यहां डिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, देन ऑब्वियसली एचओसी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एचओसी का ऑर्डर बताना है, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, क्यों? फर्स्ट वाला यहां रिपल्शन ज्यादा है, यहां रिपल्शन ध्यान रखना, हम लोग एचओसी हमेशा मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते, कंफॉर्मर के लिए नहीं, ऐसे देके कंफ्यूज करेगा। एक्चुअल ये सवाल था ऐसा, साइक्लोहेक्सेन पे लगा हुआ है ये और साइक्लोहेक्सेन पे लगा हुआ है CME3, नाउ टेल मी किसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा, ऐसे सोचना है, कंफॉर्मर को नहीं। एक कंफॉर्मर क्या अकेला एग्जिस्ट करता है? हीट ऑफ कंबस्शन तो हम पूरे मॉलिक्यूल का देखते हैं ना, तो ये हुआ मॉलिक्यूल, ना तो एक्सियल ना तो इक्वेटोरियल, अब बताओ किसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा किसका कम होगा, बराबर होगा? तो देखिए लॉजिक, इस ग्रुप पे ऑब्वियसली कम रिपल्शन है एज कंपेयर टू ये ग्रुप, अगर दोनों एक्सियल पे हुए तो। ज्यादा रिपल्शन कम रिपल्शन, ये तो हम बता दिए। ये फ्लिप मार के इक्वेटोरियल पे गया तो इक्वेटोरियल से फिर एक्सियल पे आना नहीं चाहेगा, और यही कारण है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है। कहने का मतलब यहां पर एक्सियल से इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल से एक्सियल भी आने की टेंडेंसी है, लेकिन यहां पर एक्सियल से इक्वेटोरियल, लेकिन इक्वेटोरियल से एक्सियल पे आने की टेंडेंसी कम है। जब एक्सियल से इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल से एक्सियल आएगा तभी तो फ्लिपिंग कहते हैं सीधे। यहां पर रेट ऑफ फ्लिपिंग ज्यादा है और यहां पर रेट ऑफ फ्लिपिंग कम है, क्या रेट ऑफ फ्लिपिंग दोनों का बराबर होगा? अगर इसका इक्वेटोरियल से एक्सियल पे आने का टेंडेंसी कम हो गया तो बोले कि फ्लिपिंग कम हो गया। अरे यहां पर रेट ऑफ फ्लिपिंग लेस, यहां पर रेट ऑफ फ्लिपिंग मोर, ये समझने में किसी को दिक्कत?
क्लियर है ना. फ्लिपिंग इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑब्वियसली. जहां रेट ऑफ फ्लिपिंग मोर है इट इज मोर स्टेबल. जहां रेट ऑफ फ्लिपिंग कम है इट इज लेस स्टेबल. और जो लेस स्टेबल है उसका एचओसी ज्यादा. फ्लिपिंग हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है. फ्लिपिंग क्यों होता है भाई? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही ना. फ्लिपिंग क्यों होता है? क्या चीज? ये तो पहला लेक्चर में बताया था कि फ्लिपिंग क्यों होता है. टू रिलीज द एंगल स्ट्रेन या टू रिलीज द स्टैटिक स्ट्रेन. इफ द मॉलिक्यूल इज रिलीजिंग इज स्ट्रेन देयरफॉर इट्स स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग. तभी तो फ्लिपिंग भी हो रहा है. फ्लिपिंग क्यों हो रहा है भाई? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो फ्लिपिंग हो रहा है मॉलिक्यूल का. बोट फॉर बोट फॉर्म का भी हम लोग बनाएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक साथ व्यू करेंगे इन दोनों बॉन्ड के अलॉन्ग 3, 2 और 5, 6. तीन से दो, पांच से छह, एक साथ ही देखेंगे है ना. तो पहले हम मान लो तीन नंबर वाला को देख रहे हैं. तीन से दो एक्सिस के अबाउट अगर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे को तीन नंबर वाला कार्बन दिख रहा है लेकिन उसके पीछे दो नंबर वाला कार्बन नहीं दिख रहा. ठीक. तीन से एक बॉन्ड ऊपर जाता हुआ देखो. इधर से जब हम देख रहे हैं तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा कि ये तीन नंबर कार्बन है, ये पांच नंबर कार्बन है और ये बोट का ये कोना ऊपर की ओर गया हुआ है चार नंबर. ऐसे ही दिखेगा ना. इधर से देखने में ऐसा ही व्यू आएगा ना. तो तीन से एक बॉन्ड चार नंबर की ओर गया हुआ है. तो अगर एक बॉन्ड बन गया तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे आएगा. अगर हम पांच नंबर सॉरी तीन और पांच, ये तीन और पांच अगल बगल है तो तीन और दो ठीक है. पीछे वाला कार्बन दो, दो नंबर से भी एक बॉन्ड ऊपर की ओर गया एक नंबर तक. तो दो नंबर से भी एक बॉन्ड गया हुआ है एक नंबर तक. ऑब्वियसली यहां पर भी एक बॉन्ड ऐसे होगा, एक बॉन्ड ऐसे होगा. बगल में भी एक और कार्बन है पांच और छह, पांच नंबर दिख रहा, छह नंबर नहीं दिख रहा. पांच से चार तक एक बॉन्ड ऊपर की ओर गया हुआ है, ये पांच से चार, तो बाकी दो बॉन्ड ऐसा ऐसा ही दिखेगा. सो डेफिनेटली बोट फॉर्म इज, बोट फॉर्म इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, therefore less stable. clear? boat form clear? arrange the following in the stability order. Arrange the following conformers in their stability order.
अरेंज द फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें। बताओ ये पहले का ऑर्डर क्या होना चाहिए, नंबर कर ले 1 2 3 4। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबल। एक बात ध्यान रखना कि नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी भी प्रकार का रिपल्शन शो नहीं करेगा, बिकॉज चेयर फॉर्म इज अ स्टैगर्ड फॉर्म, और स्टैगर्ड फॉर्म में लोन पेयर के हिसाब से कोई भी ग्रुप आएगा तो वो 60 डिग्री के डायहेड्रल एंगल की दूरी पर ही आएगा। गॉस इफेक्ट के कारण लोन पेयर किसी भी ग्रुप पे कोई रिपल्शन शो, तो चाहे लोन पेयर एक्सियल पर है या इक्वेटोरियल पर है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ग्रुप को देखिए, मिथाइल इक्वेटोरियल एक और तीन ज्यादा स्टेबल है बाकियों से, समझ में आ रहा है? एक और तीन में हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन कहाँ है, एक्सियल पे, इस पे तो रिपल्शन लगेगा ही, इस पे भी रिपल्शन लग रहा है, लेकिन यहां पर इसी पे सिर्फ रिपल्शन लग रहा है और बाकी कहीं भी रिपल्शन नहीं है, इसलिए 3 greater than 1 greater than। अब बचा 2 और 4 में, 2 और 4 पे मिथाइल पे तो रिपल्शन लग ही रहा है बहुत ज्यादा, इस केस में हाइड्रोजन पे भी लग रहा है, इस केस में हाइड्रोजन पे नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली 2 greater than। हाँ 1 greater than 3 होगा, 1 greater than 3 greater than 2 greater than 4। सिर्फ रिपल्शन देखो कन्फॉर्मर्स में, सिर्फ रिपल्शन देख के अरेंजमेंट करना है। अगला ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जहां दोनों मिथाइल इक्वेटोरियल पे, उसके बाद ये तो दोनों एक्सियल पे, इस पे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन लगेगा, और एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे कम से कम है तो 3 greater than 2 greater than 1। अगला सबसे ज्यादा स्टेबल चौथा, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पे, उससे ज्यादा स्टेबल कंडीशन हो ही नहीं सकता। और सबसे कम स्टेबल पहला, अब बचा 2 और 3 में, जिसपे रिपल्शन ज्यादा लग सकता है वो अगर इक्वेटोरियल पे है तो ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियसली CME3 बड़ा ग्रुप, ये इक्वेटोरियल पे है तो ये 2 greater than 3। अगला दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। आपको हम एक इक्विलिब्रियम का डाटा दे रहे हैं, लेट दिस इज हेलो साइक्लोहेक्सेन एक्सियल और ये इक्वेटोरियल पे, अगर XF होता है इक्वेटोरियल का, जो इक्वेटोरियल पे F होने का परसेंटेज 60% होता है, X अगर CL होता है तो इक्वेटोरियल पे रहने का परसेंटेज 78% होता है, सॉरी 70% अप्रोक्सीमेटली। एक्स जब BR होता है तो इक्वेटोरियल पे उसका होने का परसेंटेज 68% हो जाता है, एक्स जब I होता है तो इक्वेटोरियल पे रहने का परसेंटेज 67% होता है, इक्वेटोरियल परसेंटेज इट इज। अब इस डेटा से आप क्या कंक्लूजन निकालिएगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप सवाल, इस डेटा से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे हेलो साइक्लोहेक्सेन का? यार ये तो बात समझ में आ रहा है, फ्लोरीन का 60% क्यों और बाकियों का 60 से ज्यादा क्यों, 60 से ज्यादा क्यों?
फ्लोरीन छोटा साइज का है, उस पर रिपल्शन कम, बाकी सब बड़े साइज के हैं उन पर रिपल्शन ज्यादा, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में बाकियों का जो इक्वेटोरियल का जो कंटेंट होगा वो ज्यादा ही होगा। ये बात समझ में आ रहा, हम क्या बोल रहे हैं? ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन बात यहां नहीं समझ में आ रहा कि 70 के बाद 68 और 68 के बाद 67 कैसे हो गया, जबकि हमें पता है कि सीएल से बड़ा साइज का ब्रोमीन है, ब्रोमीन से बड़ा साइज का आयोडीन है कि नहीं है? तो यहां पर इक्वेटोरियल का परसेंटेज क्या हो रहा है? घट रहा है। इक्वेटोरियल का परसेंटेज घटना मतलब इक्वेटोरियल पे जाने का टेंडेंसी कम होते जा रहा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा होगा। अरे किसी चीज पे एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा तभी तो उसका इक्वेटोरियल पे जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा और इक्वेटोरियल का परसेंटेज बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। यहां तो हम देख रहे हैं कि सीएल का इक्वेटोरियल पे रहने का टेंडेंसी 70% लेकिन बाकियों का 70% से कम, मतलब कि सीएल को जरूर एक्सियल पे ज्यादा रिपल्शन लग रहा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। समझ में आ रहा है? तो एक बात ध्यान रखना कि जब एक हैलोजन फ्लोरीन हो और बाकी हैलोजन कोई भी हो, सीएल बीआर आई डिसाइड अकॉर्डिंग टू साइज साइज, लेकिन जब एक हैलोजन, जब दो हैलोजन लगे हुए हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू फ्लोरीन, सीएल बीआर BRI, तो यहां ऑब्वियसली साइज से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ा वाला साइज का इक्वेटोरियल पर जाने का टेंडेंसी कम है, ब्रोमीन का इक्वेटोरियल पर जाने का टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो जरूर ब्रोमीन पे क्या लग रहा है? लेस रिपल्शन एक्सियल पे। अरे समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना यहां पे बॉन्ड लेंथ डोमिनेट्स। ऐसे सोच कि सीएल एक्सीएल पे, ब्रोमीन एक्सीएल पे और आयोडीन एक्सीएल पे, ऐसे समझो। इसको रिपल्शन करने वाला कौन? हाइड्रोजन। तो हो सकता है कि ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो रिपल्शन के रेंज के ही बाहर निकल गया लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण। साइज भले ही बड़ा है लेकिन बॉन्ड लेंथ इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन से दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसके ऊपर रिपल्शन क्या हुआ? कम लगा। समझ में आ रहा है? बॉन्ड लेंथ के कारण ब्रोमीन और आयोडीन पे रिपल्शन कम लगता है एज कंपेयर टू सीएल। समझ में आ रहा? ओआर और आर का समझ में आ रहा डिस्टेंस? बस वही चीज है। भले आयोडीन बहुत बड़ा है इसका यह मतलब थोड़ी है उसको रिपल्शन करने वाला हाइड्रोजन ही तो है। क्लियर? ऑर्डर बताओ पहले का। ऑब्वियसली दो नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल और एक नंबर सबसे कम स्टेबल, दोनों इक्वेटोरियल रहेगा तो ज्यादा अच्छा। डिसाइड यहीं पे करना है। तो जब फ्लोरीन और दूसरे हैलोजन के बीच में हो तो साइज है, जैसे आप करते आ रहे थे वैसे ही आपको अरेंज करना है। सीएल बड़ा साइज का है, एक्सीएल पे है तो ज्यादा रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन तो कम स्टेबल, 2, 3, 4, 1 साइज से देखे। लेकिन जब हैलोजन दो अलग अलग हैं लेकिन उनमें फ्लोरीन नहीं है तो यहां बॉन्ड लेंथ से देखना है। यहां पर भी ऑब्वियसली एक नंबर सबसे कम स्टेबल होगा और चार नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अब यहां पे आपको कंपेयर करना है। हमें पता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन को ज्यादा रिपल्शन मिलता है इन द एक्सियल पोजीशन। दिस सीएल इज सब्जेक्टेड टू अ ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्शन देन दिस ब्रोमीन। ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेस स्टेबल। 3 > 2 > 1 अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 > 3 > 1 क्लियर है चीज? चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करें। छोटा सा चीज बच गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। अगले क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे।